बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ जी आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज है कुछ पैसा पैसा सा नज़र आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ आप लोगों की खातिर इतना जलील हो रहा हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है। रमज़ान शरीफ भी शुरू हो रहा है, कॉलर भी मैंने इसलिए ऊपर किया हुआ, पीछे से गर्दन वगैरह पूरी काली हो जाती है। वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ तो वो सब्ज़ी वाला आ गया, तो उसकी आवाज़ आ रही थी फील में, तो कैब भी मैंने इसलिए पहनी हुई है। आज मैंने जो दिखाना था आप लोगों को वो कंटेंट ये था कि थ्रेशर जो होती है पंजाबी में, तो थ्रेशर ही बोलते हैं, ठीक, गंदम जो होती है ना, उसकी जो फसल काश्त करते हैं, फसल काश्त करना बोलते हैं, बस जो कुछ भी दिन मेरा बोल रहा मैं, आई थिंक तो वही जो है काश्त दिखाऊंगा आपको सब, क्या प्रोग्रेस होता है उसका, कैसे बनती है, कैसे निकालते हैं, कैसे काटी होती है, तो वो सब अभी वो इतना तकरीबन सुबह का ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो कोई नहीं मिली, और इस टाइम थोड़ा सा शाम का टाइम है, अभी नहाया था 2 घंटे पहले तकरीबन, तो अभी फिर लगता है नहाना पड़ेगा, क्योंकि पसीने से जो है बुरी हालत हो गई है, तो इसीलिए शायद नहाना पड़े। पीछे दोस्त है वो इशारे कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हंस रहा हूँ मैं, तो अभी देखते हैं, बाइक निकालता हूँ और धूप भी बहुत ज़्यादा है, सो अभी ढूंढने के लिए जाते हैं अगर मिलती है तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, उसमें से आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, कुछ एजुकेशन वगैरह मिलेगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई जेड तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल। तो गाइस इधर आए थे, लगी तो दिया, लेकिन वो ना वो पीछे नज़र आ रही होगी आपको, धूल काफ़ी है सारी। बाय द वे न्यू किचन है ये, कुछ नज़र नहीं आ रहा, जैसे गन है, स्कार है, आई थिंक पबजी खेलते ना थोड़ी थोड़ी बहुत ही, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई छोड़ी हुई है, तो उसी का नाम। तो अभी जो इधर आए थे, लेकिन अभी तो धूप बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो और एंड भी हो गई है तकरीबन, यानी कि बस काम जो है वह एंड ही हो गया है, तो अभी वो बोल रहे थे कि अभी मैं पीछे हूँ, ये कटी हुई पड़ी हुई है, तो बोल रहे थे अभी आधे घंटे तक या घंटे तक सामने लगानी है, तो वहाँ पे अच्छी बन जाएगी, मैंने तो वहाँ पे रिज़ल्ट भी ठीक आ जाएगा, वहाँ से कुछ सही तरीके से लगी भी नहीं हुई, तो अभी फिर मैं यहाँ पे आके बनाऊँगा। तो गाइस फाइनली एक बंदे ने धोखा दे दिया था, लेकिन दूसरा बंदा मिल गया है हमें, तो उनकी की लगी हुई है इधर, ये देखें, तो अभी ये देखें कैसे प्रोसेस हो रहा है सारा। कुछ बंदे उधर लगे हुए हैं, ये हाँ पंजाबी में तो इसे भरियाँ बोलते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे पता नहीं है उर्दू में क्या बोलेंगे, सो मैं अभी भरियाँ बोलूँगा। तो ये काटी हुई हैं पहले, ये कुछ रैपर से भी काटते हैं कुछ लोग, आजकल तो मशीनें आई हैं जदीद, लेकिन कई लोगों जिन्हों को गरीबों का एहसास होता है, गरीब लोग जो होते हैं, कई लोगों ने देते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, यानी कि ये किले हो किला हो गया, ये देखिए अभी काटी हुई पड़ी हुई हैं, तो बाकी ये उठा उठा के तकरीबन 10 से 15 लोग होते हैं जो कि उठा उठा के उधर लेके आते हैं, वो थ्रेशर के अंदर डालते हैं, फिर उसमें से ये तूड़ी है ये अलग निकल जाती है, और ये जो गंदम है वो अलग ठेलों में भरी जाती है। ये देखें कितना इधर से मिट्टी मिट्टी तूड़ी निकल रही है, ये इधर से देख ले कितनी जा रही है, हल्की हल्की सी है, तो वो सारी एंड तक कितनी दूर है, जहाँ जहाँ तक कैमरे की आँख जा रही है वहाँ तक देख ले। आगे गांव भी है, गांव में जहाँ से हम लोग हमारा दूध लगा हुआ है, अब तो नहीं लगा हुआ है, वही वाला गांव है हमारा भी, अपना गांव है, क्योंकि देखें कितनी लंबी जा रही है, तो अभी चलते हैं आगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज जाके प्रोसेस दिखाता हूँ क्या प्रोसेस होता है इसका, तो और कैसे कैसे कहाँ 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 से निकल दिया और क्या क्या बनता है। सो ये भाई साहब भी काम कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो ये देखें काटी भी पड़ी हुई हैं छोटी छोटी सी, ठीक है बाबा जी जमींदार तो ये देखें ये काटी हुई पड़ी हुई है, इसमें गंदम होती है सारी, बाकी मैं आपको क्लोज जाके इसका प्रोसेस दिखाता हूँ क्या प्रोसेस होता है इसका। तो ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, काम चल रहा है इनका, ये देखें करीब से देखें कैसे एक साइड से ये निकल रही है सारी, कितनी आगे तक जा रही है, बहुत ही लंबी है इसकी ये प्रोसेस, यानी कि ना इसका सारी तूड़ी होती है
और हाजी साहब ये गंदन है अभी, नहीं नहीं मेहरबानी, तो वो ऊपर से ला रहे हैं, नहीं नहीं मेहरबानी, वो पीछे से लेके आ रहे हैं, तो स्पीड चेक करें इसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है, हल्की से हल्की मेरी आवाज़ आ रही होगी, ज़्यादा नहीं आ रही होगी। तो इस साइड से तूड़ी निकल रही है जो जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इधर से दाने निकल रहे हैं, दाने जो है इधर डाले जा रहे हैं ठेले में, ट्रैक्ट डाला हुआ ठेला इधर, तो इधर ये अभी सारी पड़ी हुई है, पता नहीं कितनी देर लगती है इसको, खुला डीजल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऐसे काम करिए फिर खुला ही चाहिए, ये चलती भी ट्रैक्टर के साथ अटैच होती है तो उसी के साथ चलती है ये देखें। अभी शोर इतना है इसका ट्रैक्टर का, हल्की हल्की मेरी आवाज़ आ रही है, अभी मैं माइक भी नहीं यूज़ करता, सिंपल मुंह से बोलना, और जो कैमरे का माइक है वही, फोन का जो माइक है वही सुनता है बस। तो बाकी इधर देखें, उधर से उठा उठा के जैसे भाई लेके आ रहे हैं, तो ये अभी ये उठाएगा, तो ये एक बंदा ऊपर खड़ा हुआ है वो उसके मुंह में जो है और डालते जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के भी दिखाता हूँ अगर चढ़ा जाता है तो ये देखें जी, सिर्फ आपके लिए खतरा में और लिया है, खतरा तो नहीं है इसका लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ चढ़ा हुआ इसके ऊपर ट्राली के। तो ये देखें, ये बंधी हुई होती है, तो ये काटते हैं इसको और थोड़ी थोड़ी सी करके उसके अंदर डालते हैं, ये देखें ये मशीन ऐसी है कि इसमें से जो गंदम है वो लग हो जाती है और जो तूड़ी होती है ये लग बन जाती है, तो ये इसका प्रोसेस होता है जी। ट्राली जो है भरी पड़ी है, अभी इन्होंने भी सर पे उठाई हुई है, दोस्त ही है, अभी थोड़ा शर्मा रहा है, तो ऐसे करते हैं, ये देख लें सारा प्रोसेस ये कितनी बड़ी है, सारी इसके अंदर जाएगी जी, ये देख लें। कसम से इस वीडियो के लिए ना बहुत दिनों का इंतज़ार किया है, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है, तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए क्या प्रोसेस होता है इसका, इतनी तेज़ है ये, दाने गंदम वगैरह जो लग चला जाता है तूड़ी लग कर देती है, इसका ये सेटअप होता है सारा, ट्रैक्टर के साथ ये अटैच होती है, देख लें बाकी आप। बाकी अभी टाइम भी देख लें कितना टाइम हो गया है, वो दूर बाइक पार्क की हुई है मैंने, किधर कहीं वो खड़ी है, ये बाइक खड़ी है अपनी बहुत दूर खड़ी है, बाकी आगे मैं पैदल चल के आया हूँ। सो अभी कहीं की नाइट शिफ्ट होती है, कई दिन में ही कर लेते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो रात के लिए करते हैं, लेकिन रात में इतना वो उनकी डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो। अभी जो है नीचे उतरने लगा हूँ, बाकी मैं आगे फ्रंट पर जा कर दिखाता हूँ आपको क्या प्रोसेस होता है इसका। देखिए आगे जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना उनका बुरा हाल हो जाता है, इसकी जो धूड़ है हल्के हल्के से इसके अंदर होते हैं कचरा वगैरह, तो सारा जाता है फिर उधर। तो ये बाकी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा गंदम बनती है, गंदम लग कर देती है और जो धूड़ी वगैरह लग हो जाती है, बाकी इसमें डाल रहे हैं अलग अलग चीज़ें होते हैं इसमें सारे भर के, बाकी घर चले जाते हैं फिर। बाकी ये थैला भर गया माशाल्लाह, थैले में गंदम का बिल्कुल साफ है ये, ऐसे 100-200 ऐसे सारे थैले हो जाते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं होता। सो अभी वो देखें दाने वहाँ से निकल रहे हैं, और ये तूड़ी देखें कितना इसका यानी कि पड़ा हो गया लग गया। सो अभी जो सूरज चाचू है वो अभी चले गए हैं, गुब हो गए हैं वो, बाकी जो अभी रहता है बस यही है। सो
कभी कभी उसकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है और कभी कभी जो नॉर्मल रहती है वो देखें अभी भी लेके आ रहे हैं वो इसके लिए। तो ये इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और बाकी जो है इधर भी सारी कटी हुई पड़ी, अभी इस तरफ भी लगाएंगे, फिर उस तरफ भी बाकी पड़ी है अभी खाली सारी, उधर भी लगाएंगे। तो यहाँ से काटी हुई है, अभी इनके ऊपर चलने का ना बड़ा मज़ा आता है, इन्हें से कट कट की आवाज़ आती है तो वो बहुत मज़ेदार होती है। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, सुबह का ढूंढ रहा हूँ मैं कब मिलेगी, अब फाइनली मिली है तो अब मैंने बना लिया वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस टाइम जो है शाम का टाइम है तो अभी कुछ नॉर्मल मौसम है। तो कैसी लगी जी आज की शेयरिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो यार इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने तो नहीं की लेकिन इसको ढूंढने के लिए, हालांकि गांव है लेकिन यहाँ पे इतनी मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ढूंढते काफ़ी टाइम लगा। सुबह का ढूंढ रहा हूँ और शाम का टाइम हो रहा है, टाइम देखता हूँ अभी काफ़ी छः बज गए हैं शाम के, तो सूरज है जो वो भी ग्रुप हो गया, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पीछे, तो सिर्फ वही चल रही है। तो बहुत सारा प्यार दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने। अब तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कैसा लगा आपका प्रोसेस, ये कैसे गंदम बनती है सारा मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे जी का इजाज़त, और चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी कर दें, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले करते थे लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, भूल गए हैं शायद। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ जिस पे आपको चाहिए न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो DM कर दिया करें, तो मसला नहीं है, DM पे देख के या DM कर दिया करें, मुझे मसला नहीं है, तो उसके मुताबिक मैं ब्लॉग अपने बनाया करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।